नाउ आई एम ऑडिबल, नाउ आई एम ऑडिबल। हाय एवरीवन, हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक है, परफेक्ट है, शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या, थोड़ा लेट हो गया, फीवर था तो थोड़ा बाहर गया हुआ था, मतलब हॉस्पिटल, और अभी 2 बजे आने बैठ रहा था तो पानी गिर गया मेरे फोन पे, तो उतर ही नहीं रहा। चलो शुरू करते हैं। नहीं अभी टेस्ट वगैरह हुए हैं, मतलब देखो वैसे तो इतनी एनर्जी है कि मैं मतलब धरने पे बैठ जाऊँ, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो फीवर है, कंसिस्टेंट रुक नहीं रहा है, इसलिए बस वो दिक्कत है। अच्छा शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है शुरू करते हैं। पानी से अलग रिश्ता है सर आपका? हाँ ऐसा ही लगता है मुझे भी। अरे उसका स्पीकर काम नहीं कर रहा, फोन का स्पीकर पे पानी कर गया। चलो चैप्टर नंबर 1 खोल लो। अब देखो, जिसके पास, शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ, जिसके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, आईसीआई का हो, आरटीपी, वो रख लो, मैं तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी नहीं कर रहा कि भाई आप क्वेश्चन बैंक खरीदो, ये करो, ठीक है। ऑल दो किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वैसे हम, मैं नहीं चाहता कि आप खरीदो, क्योंकि जो इससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ लो। ऑल दो कुछ भी नहीं है इसमें, मॉड्यूल के क्वेश्चन है और आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी जिन, मैं अप्रॉक्सीमेटली 2-1 हज़ार बच्चों के पास ये वाला क्वेश्चन बैंक है, तो इससे कर लेना। मैं आपको साथ के साथ नंबरिंग नहीं बताऊंगा, साथ के साथ सामने के सामने दिखाऊंगा, सो दैट कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये चैप्टर नंबर 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। डीटी, अब डीटी लेना है रेगुलर तरीके से, डीटी लूंगा आप कल से, ठीक है। अभी तो शुरू हो जाता, लेकिन मैं बीमार था कंसिस्टेंटली 3 दिन से, अभी भी फीवर है। देखो दवाइयाँ ही चल रही हैं, यहाँ पे भी दवाई लेके घूम रहा हूँ, देखो ये देखो हर जगह दवाइयाँ दवाइयाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये हैं भाई जरूरी, कुछ नहीं कर सकते। एलडीआर का मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चंस कम कर दूंगा, इसका मतलब ये है जो इंपॉर्टेंट है वो है, पूछ सकते हैं। तो अगेन रिपीट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेना, बस क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ रीड करने के लिए, याद नहीं करना है, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 भी, आर्टिकल को तीनों इंपॉर्टेंट है, 246A, 269A और 279A, अब इसमें तो कोई कर नहीं सकते अपन, ये 279A है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है बीच वाला, ठीक है। तो ये आपको करना रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 इसकी बस हेडिंग हेडिंग याद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग हेडिंग याद कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है। खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। सप्लाई, सत्यमेव प्रिंटर वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये करके जाना, ठीक है, ये करके जाना सत्यमेव प्रिंटर वाला। और क्वेश्चन नंबर 3 करके जाना अजय शत्रु इंडस्ट्रीज वाला, अजय शत्रु इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 करके चल जाना, नहीं, 4 मत करके जाना, 4 अपन बाद में करेंगे, अभी 4 रहने दो, ठीक है। 4 का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना, ये 12 कौन सा, मिस्टर हैप्पी, एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसकी मॉड्यूल में केस स्टडी भी बना रखी है, सॉरी एमसीक्यू बुकलेट में, तो ये एमसीक्यू में केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है और कैसे भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेना, ये वैसे बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे रखा है हमारे, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे हम लोग जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बैक हैंड में हमारे लिस्ट बन बन रही है जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, और वो लिस्ट डल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में कर लेना लास्ट, बस खत्म हो गया सेकंड चैप्टर। सेकंड में तो कमी क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन बताया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
थर्ड वाले पे आप 4 जब जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, रुको 3 रहने देना, 3 भी रहने देना। ये ऐसे नहीं बता रहा, हवा में कुछ भी बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। मैं ऑल दो लिस्ट पहले नहीं निकालना चाह रहा था, इसलिए मैंने 1 अक्टूबर को निकाली, बच्चे बहुत इनसे डिमांड कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये मैं मान के चलता हूँ कि इस लिस्ट के पास 8 नंबर प्लस आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं है। तो ये तो लिस्ट है कि भाई एग्जाम्स के टाइम क्या रिवाइज होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बाकी क्वेश्चन मत करो, है ना, मैं तो सारे कराता हूँ क्लास में, मैं तो लिस्ट के हिसाब से कभी कराता ही नहीं, बट फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये करके जाना, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करके जाना, देख लो एक बार शक्ल, क्योंकि भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है ये वाले, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 6 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए कैटेगरी वाले। कभी भी कोई, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो एबीसी एनालिसिस वगैरह बताते हैं, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन हर कोई भी चैप्टर ऐसा वेस्ट नहीं होता जिसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो, और कोई भी चैप्टर ऐसा जरूरी भी नहीं होता जिसमें सभी चीज़ें जरूरी हो, है ना। तो इससे अच्छा है ना कि चैप्टर्स में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं, उसकी स्क्रूटनी कर ली जाए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बस वही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लास वालों को तो अपने आप देखो, मैं बताऊं जिन लोगों ने ढंग से पढ़ाया ना उनको तो वैसे ही समझ में आ जाता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, बट वो तो आप लोगों के और सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी जो जो मैं बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दो चैप्टर हैं, आरसीएम और कंपोजिशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 18। मैं अप्रॉक्सीमेटली 30% क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको लगभग लगभग। क्वेश्चन नंबर 19 भी है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन देखो कई बच्चे होंगे आलसी जो क्या करेंगे पीडीएफ यूज कर लेंगे। मैं तो बोलूंगा साथ के साथ ही बुक में मार्क कर लो ना यार, क्या पीडीएफ में जाना, कोई गलती नहीं होगी जब मैं सामने बैठा हूँ। 20 मिनट का काम है, 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेना, 22 बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन, एज इट इज जुलाई 21 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेटेस्ट लिखा हुआ है। अगले चैप्टर में आ जाओ एग्जम्पशन। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। आजकल तो ताजुब की बात यह और है कि जो लोग आईडीटी नहीं भी पढ़ा रहे हैं आईडीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, 10th कर लेना, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, सिक्सटीन्थ,
21 डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। भाई मैं तो नया चैनल बनाया, मैं तो शौक था अभी। लेटेस्ट में वो कॉपी चेकिंग वाले के अंदर इतने व्यूज़ और इतने सब्सक्राइबर्स हुए, तो अभी DT का कंसिस्टेंट रखेंगे इसको। अक्टूबर अक्टूबर में 21 कर देना है ना, 22 भी कर देना। बस खत्म एग्जामिनेशन। प्लीज सप्लाई में आ जाओ। प्लीज सप्लाई में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू तनुश्री। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, 19 वैसा ही है रिपीटेड जैसे अपन ने पहले देखा था, तो मत करो। क्वेश्चन एक और छीका सकती है। ये भगवान क्या हो रहा है, हमारा मैसेज भी देख लो, तुम्हारा ही देख रहे हैं श्रीपाद। क्वेश्चन नंबर 22 रहने दो, इधर आ जाओ। क्वेश्चन टू रहने दो, वैसे आसान है। 23 करने के नहीं, 23 नहीं, इसका एक सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है। 20 अभी तक क्या क्या बताया इसमें मैंने, अभी तक मैंने आपको जो जो बताया वो तो मार्क कर ही लिए होंगे आपने। लास्ट जो मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन नंबर बहुत पुराना था, मतलब 19 से पहले, 18 तक बताया मैंने आपको लास्ट, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 भी नहीं, 24 का सिर्फ थर्ड, क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड वाला पार्ट ले लो बस, बाकी कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो काम आसान तो हो रहा है, 1/3 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 27 वही है वो 23 वाला। राशिर इज देयर एनीथिंग एल्स। खत्म हो गया प्लेस सप्लाई। खत्म हो गया प्लेस सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई पे आ जाओ।
चला के देख तू फोन चल रहा है या पानी घुल गया वो। टाइम और सप्लाई में आते हैं देखो। ऐसे टाइम पे फोन भी खराब तबीयत भी खराब सब खराब हो जाता है फिर। मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान रखो अपना, मच्छर वच्छर से तो बहुत बच के ही रहो। ये अजीब सा टाइम चल रहा है, अक्टूबर आ गया देखो बताओ, सारा टाइम खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम और सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। मैं कुछ नहीं कर सकता इस चैप्टर में, सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 18, ट्वेंटी 22 ये वाला है देख लो। ट्वेंटी 25 भाई मैं चाहता था ना शुक्लेश निकाल देता और अपने क्वेश्चन बैंक के हिसाब से क्या कर देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता, पर हमको ये नहीं करना। हमको ये पर्पज नहीं है कि कोई बच्चा अपने से अपना क्वेश्चन बैंक नहीं भी ले रखा हो तो उसको पता हो जाए, मतलब मेन पर्पज यही था, इसलिए लाइव आके बता रहा हूँ। मेरी लिस्ट निकालना ज़्यादा ईजी रहता। 25 है ना, सब रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, बस हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, छन छन आवाज उसकी आ रही है गिलहरी की, छन छन आवाज कहां से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 के बाद 13। फोर्टीन, 15, 16, रॉली पॉली, 17, 18, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड होल्ड करो, 1 सेकेंड में आया। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 19, 20। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें धोखे में रख के बोल दूं नहीं ये भी मत करो ये मत करो, क्या मतलब। 20, 21, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 22 मत करना क्योंकि 14 जैसा ही है।
24 अब की बार है ना लाइफ इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स ऐसा है देख लो। बस ये क्वेश्चन कर लो ना तो भी मतलब बहुत काम हो जाएगा आपका। 40 खत्म, आईटीसी में आ जाओ। कुछ रहा तो नहीं, इलेवन नहीं, इलेवन यहाँ इलेवन कर लो, छोड़ इलेवन। थर्टीन इलेवन थर्टीन है ना, सेवेंटीन ये पीडीएफ राशि बना रही है, राशि डालिए ग्रुप। एटीन सेवेंटीन एटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ये लाइन से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। राजेश डायनामिक, राजेश सुराना। ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, है तो है इंपॉर्टेंट। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फाइव इंपॉर्टेंट है ये, और इसका आंसर अपन ने क्लास में देखा भी था चेंज। इसका मैं रिवाइज आंसर दे दूंगा, इसका रिवाइज आंसर देना बाकी है क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले निकाल दिया था, तो इसका रिवाइज आंसर मैं दे दूंगा। यहाँ पे इस वाले स्टेप में आके चेंजेस थे, ऑल दो हमने क्लास में रेक्टिफाई कर लिया था, पर जो बच्चे क्लास वाले नहीं है तो उसका भी रिवाइज आंसर जो टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे इसका रिवाइज आंसर आएगा। इधर 95,000 आएगा, 99,750 नहीं आएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इसका रिवाइज आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आएगा, कर लो मतलब एडिशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लिया, उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये भी कर लो, टेंथ। इलेवेंथ
ये 15 क्वेश्चन है ना, ये बहुत खतरनाक है, 15 वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। रैंड 15 रैंड दो, होना भी नहीं। 14th के बाद आओ, यार ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे अगर वो क्वेश्चन नंबर 20 वहां का किया हो, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 19 डाल दो एक बार, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बात है संकेत, बस बहुत है तुम। बस अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन पे आ जाओ सर, एक सेशन लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करवा दो। नाइस नाइस, मुझे लग पता है इतने छोटे से आईटीसी के क्वेश्चन कराने में कितनी कितनी मेहनत लगी थी। अभी राजश्री और मैं डिस्कस ही कर रहे थे कि मैंने कहा पक्का ऐसा ना कोई बच्चा तो भूल ही देगा। भाई जाके एक काम करो, अभी जो हमारा रिवीजन बैच आ रहा है 4 तारीख से, वो देखो वहां पे करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन चलो इधर देखो, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8। रजिस्ट्रेशन में जब भी क्वेश्चन आया ना पूरा प्रोसेस लिख के आना, लिमिट वगैरह एक बार देख लेना कि आंसर आंसर आता है मत करा करो ज्यादा, आता है ये भी आता है वो भी आता है, एग्जाम में नंबर नहीं आते तुम्हारे, तो ये देखा करो कि क्या लिखा है इसमें, किस तरीके से आईसीए आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 6 रहने दो कर लोगे, एडिशन का क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 और 7, 6 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, बस आ गया आ गया। टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर बड़ा ही आसान, वो तुम्हें बता रखा है ना, 200 रुपए से कम का अमाउंट हो, सामने वाला लेने वाला अनरजिस्टर्ड हो, उसको चाहिए वो भी नहीं तो देने की जरूरत नहीं टैक्स इनवॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर लो, बस 1 का ए, नहीं चलो 1 पूरा ही कर लो, 1 3 एडिशनल क्वेश्चन पे आ जाओ, एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लो एडिशनल क्वेश्चन का,
थ्री तो बहुत बड़ा सा है। थ्री देखो मैंने क्लास में कराया था, थ्री है ना आंसर बहुत बड़ा लिख रखा है, इसे ना अपने हिसाब से मैं चेंजेस कर लेना थोड़ा सा जितना आपको रेलिवेंट लगे, बाकी मैं क्लास में जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा अभी रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, बस बहुत क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 6, ई वे बिल का क्वेश्चन अच्छा है ये। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना, 8 भी कर लेना। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में अकाउंट्स वाला टॉपिक है ना, अपन एक बार रिवीजन में ले लेंगे ढंग से, वैसे बहुत आसान है। बस हो गया मामला सेट। क्वेश्चन नंबर 8 एडिशनल क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया डन खत्म आ गया हो। डू लाइक दिस ऑल्सो बिकॉज ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है वीडियो। अगले चैप्टर पे आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑलरेडी लाइक ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स पे आते हैं। हाँ राजश्री कमीशन मिलेगा, बम गोले सब मिलेंगे तुम्हें कमीशन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 14, मॉडल में भी एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3, बस तो क्या 5-6 क्वेश्चन सारे बताए चैप्टर खत्म हो गया। आशीष की डीपी देखो कोई, AKG सर लिखा हुआ है, प्यार देख रहे हो तुम लड़कों का। रिटर्न चैप्टर में मैं आपको बताऊं कुछ मत करके जाना, QRMP कर जाना, बाकी कुछ आया तो तुम्हारी किस्मत। और QRMP के कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं क्योंकि नया टॉपिक आया है, तो RTP में देख लेंगे कोई क्वेश्चन हुआ तो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है QRMP का क्वेश्चन नंबर 5 रिटर्न चैप्टर में, ये देख लेना। बाकी QRMP का जो कॉन्सेप्ट है ना उससे काम हो जाएगा। असेसमेंट एंड ऑडिट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका अगर डिफरेंस आया ना 65 और 66 में तो लाइन मार के डिफरेंस मत लिख के आना ऐसे पैराग्राफ वाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो, तुम लोग तुम्हें पता है क्या क्या आना चाहिए क्या क्या नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8,
एडिशन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 एडिशन क्वेश्चन का, डिमांड एंड रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एडिशन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, 9 9। क्वेश्चन हाँ राजश्री, यही उम्मीद है तुमसे, डिमांड एंड रिकवरी खत्म। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, एडिशनल क्वेश्चन वाले हैं शायद ये। क्वेश्चन नंबर ये भी कर लेना, 19, अजीब सा ही क्वेश्चन है, रट लेना, वैसे तो मैं कुछ याद नहीं करवाता लेकिन अजीब सा है थोड़ा, कर लेना याद। 19, 19 और 20 दोनों ही करके करके जाना, 19 और 20, 19 और 20, डिमांड एंड रिकवरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th सौम्या पूछ रही, 9th नहीं करना है, करना है तो राष्ट्रीय ने बता दिया, ठीक है चलो आगे आओ। अपील्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 एडिशनल क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, खत्म। क्वेश्चन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 5 इंपॉर्टेंट है, 5 कर लोगे, 6 भी कर लोगे। और 10, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर कुछ भी नहीं है ये, प्लेस ऑफ सप्लाई और इन सब का मर्जर ही, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, रिफंड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। 7, 7 भी इंपॉर्टेंट है। 8, सॉरी 9th, 9th, 8th नहीं 9th, 10th, 11th जॉब वर्क। जॉब वर्क को एक बार देख लेंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 1 साल और 3 साल वाला प्रोविजन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 5, जॉब वर्क में 5 करोगे तो 5 और 6 कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं। 5, 6 और लास्ट 8th, 5, 6 और 8th। इंस्पेक्शन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कुछ भी पूछ सकता है इसमें तो यार। 3, 1, 3, इंस्पेक्शन का देखो मैं तुम्हें अलग से बता देता हूँ। मॉड्यूल खोल लो एक बार इंस्पेक्शन के लिए, या तुम्हारा मेरे नोट्स खोल लो, मतलब इंस्पेक्शन भी अलग से बता देता हूँ। इंस्पेक्शन में क्वेश्चंस है नहीं और भरोसा नहीं है चैप्टर का, एक बार ऐसे ही मॉड्यूल पे आ जाते हैं। चलो इंस्पेक्शन के लिए ये वाला क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 67, कि क्यों इंस्पेक्शन हो सकता है और कौन करवा सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बन सकता है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, मैनर ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स, 3 तरीके से, प्रोविजनल, एक्चुअल और डिस्पोजल। बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च, ये भी बन सकता है। याद करो कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक ऐसा। आईडी कार्ड होना चाहिए, लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, वो पूरा। सर्च वारंट की कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल बन सकता है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सारे। सेफ गार्ड फॉर सर्च एंड सीजर, ये इस बार नहीं आएगा, पिछली बार आ चुका। सेफ गार्ड फॉर अरेस्ट, ये भी नहीं आएगा। गाइडलाइन फॉर अरेस्ट, ये भी बन सकता है। क्वेश्चन यहां से भी उठा सकते हैं, पावर टू अरेस्ट हैज टू बी एक्सरसाइज आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस, एक्सप्लेन या राइट सच इंस्टेंसेज, ऐसा कुछ भी लिख सकता है। यहां से लाइन उठा लेगा और पूछ लेगा, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा गाइडलाइन फॉर अरेस्ट, कुछ भी कर सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये 5-6 पॉइंट लिख के आ जाना इनमें से। समन के लिए अपेयर नहीं हुए तो पेनल्टी 25,000 रुपये की लगती है, ध्यान रखना। ये देख लो, एमसीक्यू पूछ सकता है यहाँ से। अगला सवाल, गाइडलाइंस फॉर समन और समन प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व बाई समन, ये पूरा पढ़ लेना समन का। और ये क्वेश्चन नंबर 1 था ही, जो अपन ने देखा था। इंस्पेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो यही है बस, ये था इंस्पेक्शन। लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, मैं तो रिकमेंड करूंगा सारे क्वेश्चन रीड मार लेना इसके, ठीक रहेगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछ लेता है, बहुत हलवा सा चैप्टर एकदम। तो एक बार बस फटाफट आधे घंटे में रीड मार लेना इस चैप्टर को। एडवांस रूलिंग में क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, मिसलेनियस प्रोविजन में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेना,
सिक्स पढ़ लेना, सेवन ये इंपॉर्टेंट है, सारे जो मैं बोल रहा हूँ बस। अब कस्टम में आ जाओ, पहले चैप्टर में लेवी वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 रीड करने हैं यार ये, 7th और 8th, 6 7 8 डाल दो। कस्टम में क्या है, प्रोविजन नहीं भी आते हैं तो कई चैप्टर ऐसे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ जाओगे तो भी काम हो जाएगा कई चैप्टर्स में, क्योंकि कस्टम बहुत बड़ा है ना, जैसे वैल्यूएशन बैगेज ड्यूटी ड्रॉबैक इनकी नहीं कहना। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 6 ये रिवीजन के टाइम और करवा दूंगा मैं थोड़ा सा इनको, है बहुत छोटे छोटे से। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 17 बस। आ जाओ वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन में तो यार कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन बता देता हूँ मैं तो कहूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक बार सारे देख लेना, फिर भी अगर इंपॉर्टेंट की बात कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, 13 कर लेना, 14 कर लेना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। 16 कर लेना, जो कि नवंबर 19 में आया। ट्वेंटी वन कर लेना, ट्वेंटी सिक्स कर लेना, ट्वेंटी एट इंपॉर्टेंट है, थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी फाइव बस बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इस वाले चैप्टर का, ये बैगेज वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 9 9 ये इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, एक और सेम वापस से, हाँ ये वाला 9 को काट दो, क्वेश्चन नंबर 11 9 काट दो, 11 12 13, 14, 15, वेयर हाउसिंग में आ जाओ, वेयर हाउसिंग में दो क्वेश्चन है दोनों करने, ड्यूटी ड्रॉबैक में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, छोटे से ये सारे सारे देख लेना ड्रॉबैक के, कुछ भी पूछ सकता है इसे, बिल्कुल रीड करने वाले क्वेश्चन है, 12 13 क्वेश्चन है, इनको सबको रीड करके जाना ड्रॉबैक में।
फिर भी बता देता हूँ, ऐसे नहीं आएगा तुम्हारे को। ड्रॉबैक में इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देख के जाना, ये रेट वाले क्वेश्चन देख के जाना, 95-85 वाले इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख के जाना ही है। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम ड्रॉबैक मैक्सिमम ड्रॉबैक ये भी करके जाना है आपको। 9 काट देना, 9 मत करना। 10 काट देना, 10 भी मत करना। 11 करके जाना है। थर्ड 14, 14 करके जाना है। 15 करके जाना है। 16 करके जाना है। 17 और 18 तो इंटरेस्ट वाला ही है। 20, 21, मैं कह रहा हूँ सारा एक बार रीड कर लेना, अच्छा चैप्टर है, पक्का क्वेश्चन आएगा। रिफंड, रिफंड में से क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। नहीं, 8 भी मत करना। टेन कर लेना। फोर्टीन कर लेना। 15 कर लेना। 16 FTP। 15 के क्वेश्चन के लिए PDF में डाल के देता हूँ, इस पर बेस्ट रिसर्च करके देना चाहता हूँ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लग जाए हमारा FTP में। PDF डल जाएगी थोड़े से टाइम में, इसको फॉलो कर लेना, मेरे ख्याल से आपको काम हो जाएगा। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए लिस्ट, बाकी करने के एक बार सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आसानी है, IDT हलवा है, वैसे आप लोगों को पता चल ही गया, मैं तो कहता ही हूँ हमारा सब्जेक्ट बहुत आसान है। बाय बाय, DT के सेशन में मिलते हैं, और 4 तारीख को रिविजन सेशन में मिलते हैं IDT के। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव। डू प्रमोट, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बता दे रहा हूँ और लोगों को भी जिनका अटेंड अभी आगे है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ना। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछना, टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा लिंक, वहीं पर PDF डलेगी और वहीं पर सारे अपडेट डलेंगे। ठीक है, चलो।